नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके प्रिय YouTube चैनल में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो ऐसे ऐप के बारे में जो आपको लाइव क्रिकेट देखने में मदद करता है, जहाँ में आप फुल मैच देखेंगे तब भी आपका जो डाटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 MB ही जाएगा। तो पहला जो ऐप है वो है smartcricket.com। तो ये smartcricket.com smartcricket नाम का एक ऐप है, जिस ऐप को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप ओपन करेंगे तो ये दिखाई देगा इंटरफेस। तो क्या है कि अभी मैं इसको कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है ये बता दूंगा। तो पहला जो है आपका smartcricket.com हो गया, और दूसरा मैं दिखा देता हूँ आपको ऐप, दूसरा ऐप खोल के दिखा देता हूँ। तो ये है smartcricket, और ऊपर में आप देखिए दूसरा जो है mobilecricket। तो mobilecricket ऐप को हमने खोल लिया। तो इस ऐप में क्या होता है कि आपको यहाँ लाइव मैच तो नहीं देख सकेंगे आप यहाँ, लेकिन लाइव स्कोर्स न्यूज़ फ्यूचर, या देखिए डोमेस्टिक लीग, या हमें पॉइंट्स टेबल, ऐसे ढेर सारा ऑप्शन है जो आप देख सकते हैं यहाँ में से। तो अभी आपको क्या करना है, आपको आपका ब्राउज़र है, फ़ोन में जो ब्राउज़र है उसको खोलना है। तो मेरा यहाँ यूसी मिनी को मैं खोल लेता हूँ। तो खोल के आपको क्या करना है, इसमें आपको सर्च करना है smartcricket.com। तो smartcricket.com ये smartcricket.com। तो इसको चार्ज करने के बाद आपको क्या करना है, सर्च हो रहा है ये, तो smartcricket.com। तो सर्च करने के बाद आपको ये लोड होके जब खुलेगा, यहाँ में लिखा होगा download.apk। तो यहाँ में क्लिक करके आप apk डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और वो ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप उस ऐप को डाउनलोड किए बिना यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ में इंडियन प्रीमियर लीग दिखा हुआ है। तो इंडियन प्रीमियर लीग में आप अगर सपोज IPL देखना चाहते थे, उसमें क्लिक कर दिया, अगर दूसरा मैच कोई लाइव चल रहा है तो वहाँ में दिखाएगा। तो अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 8 बजे से मैच स्टार्ट होने वाला है। तो 8 बजे से यहाँ में आ जाएगा लाइव स्क्रीन आपका। तो दूसरा जो वेबसाइट है मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, उसका नाम है mobilecricket.com। सेम है CRICKET, MOBILE मोबाइल, सेम इंटरफेस है ये वेबसाइट का भी। तो क्या है कि इस वेबसाइट में भी आपको वही इंटरफेस मिलेगा। तो ये देखिए आप mobilecricket.com का जो वेब ऐप है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। लेकिन जो smartcricket है वो smartcricket.com से डाउनलोड करना पड़ेगा, वो आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। तो क्लिक हियर टू वॉच ऑन वेबसाइट। तो वेबसाइट को वॉच करने के लिए हमें लाइव वीडियो जो लाइव चल रहा है मैच वो देखने के लिए यहाँ में क्लिक कीजिए, यहाँ लिखा हुआ है ऐसा। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको क्या, अभी ये लोड हो रहा है, तो यहाँ में से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप को। तो डाउनलोड कर सकते हैं, तो बिना डाउनलोड किए तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय ले रहा है, नेट शायद स्लो है मेरा, थोड़ा स्लो हो रहा है नेट, तो समय ले रहा है। जो mobilecricket ऐप जो है इसमें आपको न्यूज़, क्रिकेट मैच का न्यूज़ जो भी हो या फिर स्पोर्ट्स का न्यूज़ मिल जाते हैं यहाँ में, तो आपको मिल जाता है, रिप्लेस मिल जाता है। तो ये mobilecricket.com ये वेबसाइट लोड हो रहा है अभी, फिर भी मैं फिर से ट्राई करता हूँ इसको रिलोड करने के लिए, रिलोड करता हूँ फिर से। तो अभी ये रिलोड हो रहा है, रिलोड होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आप ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन ऐप में आपको लाइव जो मैच है वो नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ में ज़रूर आपको दिखाएगा इस पेज में। तो आपको इंडियन प्रीमियर लीग में सपोज IPL देखना है तो इंडियन प्रीमियर लीग में क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ में क्लिक करने के बाद आपको जो है क्वालिटी सेलेक्ट करना पड़ता है। सपोज आप लो क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे तो लो क्वालिटी का आएगा, आप जो है 200-300 MB में पूरा मैच जो है आप देख सकते हैं, T20 मैच को कंप्लीट कर सकते हैं आप जैसे भी हो। अब ये लोड हो रहा है तो मैं इसको प्ले नहीं करूँगा क्योंकि कॉपीराइट इशू है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक बटन को दबाइए, शेयर कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पर 1000 लाइक आए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। सब्सक्राइब